दिस न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय गौरव कलश। भारतीय सैनिक दल में कार्यरत भंडारा जिले के वीर जवान लॉन्स नायक चंद्रशेखर रूपचंद भोंडे उम्र 34 वर्ष की ड्यूटी के दौरान निधन हो गया। उनके पार्थिव शरीर आज शासकीय इमारत वैनगंगा स्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया गया। 14 साल तक देश की सेवा करने वाले शहीद सुपुत्र को भंडारा के नागरिकों ने अंतिम श्रद्धांजलि दी। शहीद चंद्रशेखर भोंडे का पार्थिव शरीर आज सुबह भंडारा स्थित उनके घर में लाया गया। इस समय उनके पार्थिव शरीर का सांसद सुनील मेंढे, विधायक राजू कारेमोरे, पूर्व विधायक चरण वाघमारे, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी महेश पाटिल, इन्होंने दर्शन लिए। उनके निवास स्थान से उनकी अंतिम यात्रा शुरू हुई। अमर रहे चंद्रशेखर भोंडे, अमर रहे भारत माता की जय, वंदे मातरम, इस तरह की घोषणा कर नागरिकों ने बड़ी संख्या में अंतिम यात्रा में भाग लिया। अमर रहे, अमर रहे। खात रोड से खामतलाव चौक, शास्त्री चौक से गांधी चौक, त्रिमूर्ति चौक, इस रास्ते से मुक्ति धाम की ओर अंतिम यात्रा लाई गई। विधायक राजू कारेमोरे, जिलाधिकारी संदीप कदम, पुलिस अधीक्षक वसंत जाधव, कर्नल मनकोटिया, मेजर त्रिपाठी, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी तथा उपजिला अधिकारी महेश पाटिल, इनके साथ ही स्वतंत्रता संग्राम सैनिक संघ की ओर से पुष्प चक्र अर्पण किया गया। जिला पुलिस दल की ओर से 3 राउंड फायरिंग कर सलामी दी गई। सेना की ओर से भी सलामी दी गई। सैनिक कल्याण कार्यालय के सुधीर लूटे, घनमारे, इनके साथ ही उपस्थित सभी नागरिकों ने सामूहिक श्रद्धांजलि अर्पण की। शहीद चंद्रशेखर भोंडे के छोटे भाई सचिन भोंडे ने उन्हें अग्नि देकर अंतिम संस्कार किया।
चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज की खबर सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले।